We'll be right back.
Participate lah, mentor mu tom lah. Kau orang tu ruhap nama yang beli dia. Ikilah mu, mu bukan urang boleh. Ye nam loli dengan asir badam lah. Apa ni tu? Asir badam mu dulu hope akhir. Ni kau loko aktif nak hidup apa? Ibu boleh apa ini loko boleh. Ibu kakak boleh, kakak kakak boleh. Okey, boleh lah lela ni, boleh lah lela blessing, boleh lah lela. Nampak lu mana ni dia? Okey, gumpi kopi dia, gumpi ni dia. Ebi nak hidup, Pangku ya tadi bosoko, ani boleh dia makan. Ui boleh 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 biar lah, santi lah, ye tu lah pay. Jom kita, ye nam lo, boleh ye nam santi ber. Orang, orang tu ya, family number. Itu kau itu pasal kau belum kata tempat, itu lima. Pas alam cuma aja mau hikiri apa kan bayar ni, bangun tu dia mau bayar mau mutus. पहले तो आपका एपील पूरे टीम को एपील लीज को आप सबको मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. आज इस तरह से हम लोग को मोहलत दिया. आज सवेरे आज जैसे कि आप बताया लेट श्रीमती हरियप्पा काम स्वर्गवासी हम लोग का बहुत पूजनीय है कि आज पास डेथ एनिवर्सरी है. इसलिए हम लोग आज सुबह सवेरे सवेरे दो मिनट की मौन धारण किया. इसके बाद में आज हम लोग का शहर से बस्ती वालों का शहर से सब उसको बहुत श्रद्धांजलि दिया. और साथ ही साथ में मैं थोड़ा सा एक विस्तार से एक समय नहीं लेते हुए बताना चाहूँगा. ये हरियप्पा का एक ऐसे शख्सियत हम लोग के बीच से जो हम लोगों को छोड़ के चला गया, खास करके हमारे वोमेन वाले जो फोक वोमेन फोक है. केवल हमारे सिर्फ बस्ती के लिए नहीं, सारे जहाँ बांगों के लिए, सबके लिए ये बहुत दुखद का विषय है. ये इस तरह से एक शख्सियत था कि जब जिंदा थे इसका लीडरशिप से पूरे जाने जाते थे. और उसके जो नर्म जो उसका एक करेक्टर था, सबके लिए एक भाईचारा, एक प्यार सबके लिए जो रखता था, और इंसानियत की जो सही एग्जांपल है, सही मायने अक्सर हम देखे जाते थे इस स्वर्गवासी श्रीमती हरियप्पा काम को. और मैं थोड़ा बताना चाहूँगा ये इनके जिंदा रहते हैं बहुत सा उपलब्धियाँ हासिल किए हैं हम सब के लिए. कहीं ना कहीं आज की उस दौर की जो उसकी जो मशक्क़त, उसकी जो कोशिश, कहीं ना कहीं आज उस पल को हम जी रहे हैं. और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उसके लिए. और आगे जो हमारे बच्चे कुछ जो भी रहे, जो भी ज़िंदगी है और बाकी पीढ़ी जो आने वाले, बहुत ही शुक्रिया अदा रहेंगे उनके लिए. मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा उसके इस तरह से रहा लाइफ जर्नी. पहले वो एक्स प्रेसिडेंट ब्रू जनरल वोमेन 2000 से 2008 तक, यानी कि 60 साल का एक टेनियर होते हैं, उसे पूरा किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, सबको बहुत प्यार से लेके. और जिस तरह वो सोसाइटी में जिस तरह से कंट्रीब्यूशन दे पाया, पूरा दिया, और सारा पूरा वोमेन पार्टी को इकट्ठा किया, साथ लेके गया, और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उसका बहुत बहुत हाथ रहा. और साथ ही साथ इसके बाद में एक्स ट्रेजरर रहा ऑल वेज यंग वोमेन मार्केटर्स यूनियंस 2005 से 2008, यानी कि एक टेनियर पूरा किया 2005 से 2008 तक का. इसमें बहुत एक बड़ा एक एग्जाम्पल सेट करके गया. अपने पद में रहते ही कभी दुरुपयोग नहीं किया. और जिस तरह से वो अपने पद में रहते ही जिस तरह से वो निष्ठापूर्वक काम किया, सही सम्मान किया, और हमेशा से इस यादगार जो कार्य किया हमारे पूरे वेस्ट सियांग जिले के लिए, उसके लिए भी आज बहुत दुख और बहुत श्रद्धांजलि पेश किया आज सबकी तरफ से. और ट्रेजरर रहते समय में वो जिस तरह से अपना इस जो जिम्मेदारी में जो रहते हुए जिस तरह से फंड राइज करने में सक्षम था, कहीं ना कहीं उसका लीडरशिप को आज भी बहुत एक बड़े स्तर पर मान्यता देते हैं. और साथ ही साथ में 2008 से लेकर 2013 तक ये हमारे गांव के एक्स जीपीएम यानी कि ग्राम पंचायत मेंबर रहा, और उसमें भी उसका एक एग्जाम्पलरी लीडरशिप रहा हमेशा से उसके. और आज हम सब जैसे कि आप पहले प्रोग्राम में भी इसके जो इससे जो जुड़े हुए जो वो हम विस्तार से बता चुके हैं, इसमें भी रहते कई तरह के उपलब्धियाँ, कई तरह के डेवलपमेंट, जिसमें साफ सुथरा हमेशा से उसका लीडरशिप को देखा गया. और कहीं कभी भी हमारे रहते उसके रहते हम लोगों के बीच में कोई ऐसे हम लोग का साइड से कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया कि ये लीडरशिप के रहते कि कभी पेबरिज्म, बायसनेस और खिलाफ इस तरह से कभी नहीं किया गया. हमेशा से भाईचारे से, प्यार से सबको साथ में लिया, और हमेशा अपनी जिम्मेदारी पर रहते हुए
हमेशा डेवलपमेंट को पहले प्रायोरिटी में रखा। और इसके बाद में XASM काम पंचायत ऑडिट कमेटी 2013 से 2018 यहाँ पे भी बिल्कुल आप देख सकते हैं, वरना इस तरह से प्रमोशन कभी नहीं किया जाता है। आप पहले GPM रहा, इसके बाद में XASM रहा, पंचायत ऑडिट कमेटी का आप सोच के देखिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के पूरा जो गवर्नमेंट का एक यहाँ में एक प्रोसीजर रहता है, और यहाँ में गिने सुने जो इंसान है, गिने सुने जो शख्स को ही यहाँ में कमेटी में लिया जाता है। और यहाँ में हमारे बस्ती में से ये एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि था, और केवल ही केवल जाता है जिनका नाम है नेत और ये पाकम। और साथ ही साथ में अब एक्स इंटरिम कमेटी मेंबर बाय ADC DC आलो 2018 से 2020 दो साल रहा, यहाँ में इंटरिम कमेटी में भी एक बढ़िया काम किया। हमेशा से जब भी उसका जो उसकी तरफ से जितना भी कार्य करना था पूरे जिम्मेदारी उठाया, पूरे जिम्मेदारी निभाया, और जितने जिस तरह से काम किया पूरे हमारे बस्ती वाले पूरे गुरुवासी हमेशा से खुश थे और हमेशा से उत्साहित रहा वो। और साथ ही साथ में एक यहाँ एक बहुत बड़ा एक घटना, बहुत बड़ा एक उपलब्धि हुआ हमारे पूरे बस्ती की साइड से, आज भी हम गर्व महसूस करते हैं उनके लिए। इंटरनेशनल वोमेन डे जहाँ गुजरात में 2017 को वहाँ ऑब्जर्व किया गया, मनाया गया, तो हमारे अरुणाचल के साइड से बहुत सारे शायद गए होंगे, हम जिनके नाम अभी आपको उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, वो हमारे अभी नॉलेज में नहीं है। ये होरी पाकांग केवल हमारे आलो के अंदर में और हमारे बस्ती को रिप्रेजेंट करते हुए, पूरे बांगों को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पर भी गया, और वहाँ जिस तरह से जाकर के कार्य किया, अपनी इलाका को रिप्रेजेंट किया, उन सब के लिए हम सब मानते हैं कि ये केवल उनके उनके फैमिली, उनके बच्चा, उनके जो चाहने वाले उनके सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे पूरे बस्ती, पूरे बिरुवासी और उसके पूरे चाहने वाले, हमारे पूरे बांगों की तरफ से भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि था। इसके लिए हम हमेशा उसके लिए कर्जदार रहेंगे। यही कहने चाहेंगे बहुत दो शब्द में, लेकिन बहुत बड़े बात। देखिए, आप हम सब के बीच से कहीं ना कहीं जो आने वाले साल में भी, हम आने वाले जो समय है उसमें भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी किसी तरह से लीडरशिप निकलेंगे, चाहे वो लेंस हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, कहीं ना कहीं तरह से निकलेंगे। लेकिन हमेशा से एक एग्जाम्पलरी सेट करना चाहिए सबके, जिस तरह से ये हमारे स्वर्गवासी होरी पाकम जी जिस तरह से कार्य करके गया, कहीं ना कहीं हमें ये प्रेरणा करती है और हमें हमारे मन में एक ऐसे उत्साह पैदा करती है कि हम भी हमारी ज़िंदगी को, हमारे इंसानियत के लिए, हमारे जो कास, जो हमारे अपने के लिए, इस तरह से हम कम से कम कंट्रीब्यूशन करके जाए। और साथ ही साथ में हम बहुत दुखद महसूस करते हैं हमारे पूरे फैमिली को लेकर के, साथ ही साथ में पूरे हमारे जो बिरुवासी है, जितना उसके सहने वाले, हर तरफ से आज बहुत रो रहा है, बहुत दुख है कि इस तरह का एक हम लोग का बीच में जो एक बहुत बड़े हम लोग का प्रेरित था, प्रेरणा जो एक शख्स था, वो हमें छोड़ कर चला गया। और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, बहुत हम लोग अंदर से यहाँ दुख में है। और साथ ही साथ में इसके साथ भी साथ में हम चाहने वाले पूरे भगवान को, हमारे अपने भगवान को, धोनी पोलो को हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि भले ही वो हमसे, हम लोग को यहाँ से छोड़ कर गए, हमारे दुनिया को छोड़ कर गए, लेकिन जहाँ वो जहाँ पर भी अभी जिस तरह से भी रह रहे होंगे कि वो सही तरीक़े से रहे, बहुत खुशहाली की ज़िंदगी मिले और बहुत सुकून और शांति से जिए, और उसकी आत्मा को इस तरह से हम लोग प्रार्थना करते हैं।